आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो आइए कढ़ाई पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेना है और उसे चढ़ा देना है गैस पर, और उसमें हम देसी घी डाल देंगे। देखिए यहाँ पर देसी घी डाल दिए हैं और घी जो है गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम पनीर डाल के इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और पनीर जो है हम घी में ही फ्राई करेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, और इसे हम इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पर मुझे घी कम लग रहा था तो दोबारा मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है। और देखिए यहाँ पर जो पनीर है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, वरना पनीर जो है बहुत हार्ड हो जाएंगे और वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। तो फिर यहाँ पर अब हमें अदरक और लहसुन जो है, लहसुन की कलियाँ, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो आप अदरक को छील के पतले पतले काट लीजिए, और लहसुन की कलियाँ जो है उसे छील कर आप दोनों को एक साथ फ्राई कर सकते हैं। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसे निकालने के बाद फिर यहाँ पर हम दो मीडियम साइज़ के प्याज और दो मीडियम साइज़ के टमाटर को पतले पतले पीसेज में काट के इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे एक मिक्सर जार में, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इसे मैंने निकाल लिया है, अब इसका हम एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लिए हैं। और पेस्ट तैयार करने के बाद फिर से कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, और यहाँ पर हम दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन चीज़ों को हम डाल देंगे तेल में। और जब ये हल्का सा चटकने लगेगा तो जो मसाला हमने पीस के रखा था, फ्राई किए हुए सारे मसाले जो मिक्सर जार में पीस के रखे थे, उसे डाल देंगे। और उसे डालने के बाद अब फिर इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ और मसाले। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें और कुछ मसाले क्या डालने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमें डालने होंगे लाल मिर्च का पाउडर और जीरे का पाउडर। देखिए यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, जीरे का पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को हम इस मसाले में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हमें इसे भूनना है। तो जिस मिक्सर जार में हम ये मसाला पीस के रखे थे, उस मिक्सर जार को उसी में हम पानी डालेंगे और उसे अच्छे से खंगाल के इसमें डाल देंगे। और फिर यहाँ पर अब जाएगा नमक, क्योंकि नमक इसमें नहीं डाले थे। और फिर नमक डालने के बाद फिर हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। नमक डालने के बाद ही मसाले में अच्छा कलर आता है। देखिए ये जो मसाला है अच्छे से भून चुका है, और ये फ्राई किए हुए जो पनीर है इसे हम डाल देंगे मसाले में। तो हमें पानी नहीं डालना है मसाले में, सबसे पहले पनीर डालना है और पनीर और मसाले को एक साथ भून लेना है। देखिए इस तरह से हम पनीर और मसाले को एक साथ भून लेंगे। इससे क्या है कि पनीर में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए ये भून चुके हैं, तो अब इसमें हमें पानी डाल देंगे। इसमें हम और भी ज़्यादा पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि पनीर जो है हमारा अच्छे से पक जाए। और पानी डालने के बाद फिर यहाँ पर हम गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे और पनीर को अच्छे से उबलने देंगे। तो देखिए यहाँ पर पनीर बहुत अच्छे से उबल रहा है। तो अब इसमें हम क्या डालेंगे, सब्जी मसाला पाउडर। आप इसमें चिकन मसाला जो होता है उसका भी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब्जी मसाला डाल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब 3-4 मिनट हो जाएगा तो देखिए इसका ढक्कन खोलेंगे हम और चेक करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, यहाँ पर पनीर गल चुका है बहुत अच्छे से। तो दोबारा से इसे हम ढक देंगे, लेकिन अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और देखिए 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे, और आप देख सकते हैं कि पनीर का कलर और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और ये कढ़ाई पनीर जो है बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस तरह से एक बार कढ़ाई पनीर ज़रूर बनाइए और खा के फिर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी एकदम बिल्कुल अलग है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है, और झमेला तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान तरीके से ये कढ़ाई पनीर बन जाती है, और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।